मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इंदौरा में गवर्नमेंट कॉलेज में छात्र और छात्राओं के टेस्ट हुए, जिसमें 125 बच्चों में से 19 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं और ये बड़ी हैरानगी की बात है। और इसमें थोड़ा प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा। हमारे कोई 10-12 गांव के बच्चे जो कि यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इंदौरा आते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ आज 1100 के लगभग है। उसके साथ ही हमारे यहाँ पे 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो भी हैं, और उनके अंदर भी ये कोरोना टेस्ट के जो एक इसका टेस्ट है वो होना चाहिए, ताकि ये बाकी जगह ना सेपरेट करे। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, इन सभी का होना चाहिए, वहां के स्टाफ का होना चाहिए। और कुछ मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे रेगुलर प्रिंसिपल की कमी है, और भी दूसरा स्टाफ जो है पिछले 1.5-2 साल से नहीं है, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र गवर्नमेंट कॉलेज अंदौरा में तैनात किया जाए। और माननीय जो हमारे डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा है, एसपी साहब हैं, उनको यहाँ पे मौके पे स्पॉट पे भेजा जाए और पूरे वो इसका स्टडी करें। तो बिल्कुल साथ साथ में ये हमारे 4-5 जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी 3-4 दिन के लिए बंद रहने चाहिए, और सैनिटाइजेशन जो है ये पूरा होना चाहिए। जो हमारे आसपास के गांव यहाँ पे ये बच्चे यहाँ पे आ जो उनके पेरेंट्स बहुत चिंतित हो गए हैं, ये चूरपड़ गांव है हमारा, सनौर गांव है, भुगरुआ गांव है, अपना राजा खासा है, डाकलाड़ा है, उपला सूरजपुर है, बदरुआ है, डमटाल है, ऐसे करके 13-14 गांव पड़ जाते हैं जिसके तहत यहाँ बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। और इस जो कोरोना की जो एक कंट्रोल होना चाहिए, और मेरे को लगता है कि दोबारा से ये पनप रहा है, इसके ऊपर प्रशासन को पूरी हरकत में आना चाहिए। और जो कंसर्न्ड हमारे सीएमओ साहब हैं, उनको भी यहाँ भेजें इंदौरा इमीडिएट, ताकि ये लोगों में थोड़ा सा उनकी हौसला जो है उनका हौसला अफसाई करें और वो चिंतित ना हो, ये बड़ा यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो इन लफ्जों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से द्वारा रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सीरियस मैटर को वो एक गंभीरता से लें। धन्यवाद।